प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को देश को संबोधित किया। 12 मिनट के संबोधन में पीएम ने कोरोना वायरस से सावधानी बरतने की अपील की। पीएम ने कहा कि कोरोना के खिलाफ जनता कर्फ्यू से लेकर आज तक हम सभी भारतीयों ने एक लंबा सफर तय किया है। समय के साथ आर्थिक गतिविधियों में भी धीरे धीरे तेजी नजर आ रही है। हम में से अधिकांश लोग अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए फिर से गति देने के लिए रोज घरों से बाहर निकल रहे हैं। त्योहारों के इस मौसम में बाजारों में भी रौनक लौटने लगी है। हमें नहीं भूलना है कि लॉकडाउन खत्म हो गया है लेकिन वायरस नहीं गया है। उन्होंने कहा कि बीते 7 से 8 महीनों में प्रत्येक भारतीय के प्रयास से आज भारत जिस संभली हुई स्थिति में है, हमें उससे बिगड़ने नहीं देना है बल्कि सुधार करना है। उन्होंने कहा कि आज देश में रिकवरी रेट अच्छी है और मृत्यु दर कम है। दुनिया के साधन संपन्न देशों की तुलना में भारत अपने ज्यादा से ज्यादा नागरिकों का जीवन बचाने में सफल हो रहा है। पीएम ने कहा कि सेवा परमो धर्म के मंत्र पर चलते हुए हमारे डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स इतनी बड़ी आबादी के निस्वार्थ सेवा कर रहे हैं। इन सभी के प्रयासों के बीच ये समय लापरवाह होने का नहीं है। पीएम ने कहा कि एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है और हमारी खुशियों को धूमिल कर सकती है। पीएम ने कहा है कि अगर लापरवाही बरत रहे हैं, बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं, तो आप अपने आप को, अपने परिवार को, अपने परिवार के बच्चों को, बुजुर्ग को संकट में डाल रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि आप ध्यान रखिए, आज अमेरिका हो या फिर यूरोप के दूसरे देश, इन देशों में कोरोना के मामले कम हो रहे थे लेकिन अचानक फिर से बढ़ने लगे हैं। जब तक सफलता पूरी नहीं मिल जाए, लापरवाही नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बरसों बाद हमें ऐसा होते देख रहे हैं कि मानवता को बचाने के लिए युद्ध स्तर पर काम हो रहा है। अनेक देश इसके लिए काम कर रहे हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक भी वैक्सीन बनाने के लिए जी जान से जुटे हैं। पीएम ने कहा कि याद रखिए, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। उन्होंने कहा कि एक कठिन समय से निकलकर हम आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ी सी लापरवाही हमारी गति को रोक सकती है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीन पर काम चल रहा है। इनमें से कुछ एडवांस स्टेज पर हैं। कोरोना की वैक्सीन जब भी आएगी, वो जल्द से जल्द प्रत्येक भारतीय तक कैसे पहुंचेगी, इसके लिए भी सरकार तैयारी कर रही है। कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर भी करें, और हमारे चैनल एशिया नेट न्यूज हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसके नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं।